नॉर्मली किसी भी सिंगल ईयर में कैलेंडर क्वेश्चन करता है, किसी भी सिंगल ईयर में बेटा 365 डेज होते हैं। तो 365 डेज का मतलब होता है जब आप 365 को डिवाइड करते हो 7 से, तो इसका मतलब यहाँ पे पहले 35 आएगा, ये बनेगा 15। तो किसी भी ईयर में 52 वीक्स, किसी भी नॉर्मल ईयर में 52 वीक्स और 1 ऑड डे होता है, एक दिन बच जाता है, वो दिन कोई सा भी हो सकता है। अगर मैं कैलेंडर की स्टार्टिंग करूं तो मेरे को बताना पड़ेगा कैलेंडर मतलब ईयर, ईयर मतलब एक ईयर में नॉर्मली कितने होते हैं, 365 डेज होते हैं। तो हर साल 52 वीक, 52 वीक्स और 1 ऑड डे आता है, वो 1 ऑड डे कोई भी हो सकता है, 1 ऑड डे कोई भी हो सकता है। एज पर द नॉर्मल कैलेंडर, फर्स्ट ऑड डे को मंडे माना गया है, सेकेंड ऑड डे को क्या माना गया है, ट्यूजडे, थर्ड ऑड डे को वेनसडे माना गया है, फोर्थ ऑड डे को थर्सडे, फिफ्थ को शायद फ्राइडे, सिक्स को सैटरडे और जीरो ऑड डे को माना गया है संडे, बिकॉज उस दिन आपका वीक अगेन कंप्लीट हो जाएगा, तो इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ऑड डे, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ ऑड डे। तो अगर अपन स्टार्ट करें ये बात समझने के लिए कुछ कंसेप्ट, अगर मैं कुछ कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करूं तो बच्चे ये समझ सकते हैं कि हम बात करते हैं एक वन ईयर में कितने ऑड डे, 1 ऑड डे, तो 2 साल में कितने ऑड डे होंगे, 2 ऑड डे, तो 3 साल में कितने ऑड डे होंगे, 3 ऑड डे, और 4 साल में क्योंकि वो लीप ईयर हो जाएगा, फोर्थ ईयर, एवरी फोर्थ ईयर इज अ लीप ईयर, तो उस दिन 366 दिन होंगे, 366 डेज होंगे, तो फोर्थ ईयर आपके पास 2 ऑड डे एक्सपेक्ट, मतलब कितने, 5 ऑड डे आपके पास हो जाएंगे फोर्थ ईयर। फिफ्थ ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 6 ऑड डे, जितना मैं समझ पा रहा हूं 6 ऑड डे, और सिक्स्थ ईयर में कितने ऑड डे होंगे, 0 ऑड डे, क्योंकि इस दिन एक पूरा हफ्ता कंप्लीट हो जाएगा, तो हर 6 साल के बाद एक एक्स्ट्रा वीक कंप्लीट हो जाता है, हर 6 साल के बाद एक एक्स्ट्रा वीक क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, उसमें कोई ऑड डे नहीं बचता। इसी से बच्चों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड होता है, हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड होता है वो लीप ईयर होता है, और वो ईयर 2 ऑड डे छोड़ेगा, 2 ऑड डे छोड़ेगा, एक्सेप्ट एवरी सेंचुरी, क्योंकि एक बात ध्यान, अगर आप बोलोगे सर 100 साल मतलब एक सेंचुरी, तो 100 साल 4 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या ये लीप ईयर नहीं, कोई भी सेंचुरी लीप ईयर नहीं मानी जाती है, क्योंकि 100 साल के बाद अभी आप जानोगे 5 ऑड डे पिकवाते हैं, कितने पिकवाते हैं, 5 ऑड डे, तो एक बात ध्यान रखना, सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर बट एवरी फोर्थ सेंचुरी मतलब क्या 400, मतलब क्या 800, मतलब क्या 1200 इज अ लीप ईयर। ये एक्सेप्शन आपको याद करना पड़ेगा बेटा कि एवरी सेंचुरी वो 4 से डिवाइड तो होती है बट वो लीप ईयर नहीं होती, तो हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए इज अ लीप ईयर, हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो जाए इज अ लीप ईयर, बट सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, एवरी फोर्थ सेंचुरी 400, 800, 1200 इज अ लीप ईयर। बोलो कोई डाउट तो नहीं आता, इससे आपको ये बात भी समझ में आएगी कि 100 ईयर अगर आप ढंग से देखोगे तो 100 ईयर का मैं वो कैलकुलेशन भी सिखाऊंगा अभी, तो 100 ईयर को अगर आप ढंग से डिवाइड करो, तो पहले आपने ये बात देखी, तो 100 ईयर में आपको 5 ऑड डे रहते हैं, 200 ईयर में आपके पास, मतलब 100 ईयर में 5 ऑड डे क्यों होते हैं, क्योंकि बेटा 100 को अगर ढंग से 4 से डिवाइड कर तो तेरा वैसे ऊपर आएगा 25, कितना आएगा 25, 100 पर डिवाइड, लेकिन 25 लीप ईयर नहीं होते हैं, 24 लीप ईयर होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होते हैं, 76 होते हैं ऑर्डिनरी ईयर्स, तो हर ऑर्डिनरी ईयर कितना दिन चलेगा एक्स्ट्रा, 1। प्लीज इस बात को समझिएगा, एवरी 100 ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, तो अगर मैं बोलूं 100 साल में लीप ईयर कितने होते हैं, तो 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 76 ऑर्डिनरी ईयर होते हैं, बच्चा अगर ढंग से देखे कि लॉजिक चलता क्या है, तो 76 हर ऑर्डिनरी ईयर एक दिन एक्स्ट्रा लगेगा और हर लीप ईयर कितने लगेगा, 2, तो 76 × 1 दैट इज व्हाट 76, 24 × 2 दैट इज व्हाट 48, तो 100 साल में कितने ऑड डेज एक्स्ट्रा आ जाएंगे, 76 + 48 दैट इज 1
स्टार्टिंग मेरे पास 124 ऑड डेज, तो क्या सर 124 ऑड डेज खुद मिलके कुछ वीक्स भी बनाएंगे? तो कितने वीक्स बनाएंगे और कितना बच जाएगा अगर ये चेक करना है, तो 124 डिवाइड बाय 7, तो मेरे ख्याल से 7 नंजा 7 बचा कितना, बस 5 3 4 7 7 49, मतलब 17 तो पूरे वीक बन जाएंगे और 5 ऑड डे बच जाएंगे। तो क्या सर हम हमेशा ही कैलकुलेशन करेंगे? ना बेटा, तो हमेशा कैलकुलेशन नहीं करेगा। देखो ऑलरेडी याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 5। 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 5। ये लॉजिकल कैलकुलेशन था कि 100 साल में 5 ऑड डे क्यों होते हैं। अच्छा दिल से बता, ढंग से बोले कि अगर मैं बोलू 100 ईयर्स में तेरे पास 5 ऑड डे है, तो अगर अपन डबल कर ले 200 ईयर्स में, लॉजिकली तेरे पास कितने ऑड डे होने चाहिए, 10 ऑड डे होना चाहिए। 100 साल में 5, तो 2 साल में कितने, 10। लेकिन 10 में से क्या एक हफ्ता ऑलरेडी पूरा हो जाएगा? अरे भाई 10 ऑड डे मतलब क्या, 10 को डिवाइड करना कितने 7 से पड़ेगा, तो बचा तो 200 साल में कितना, 10 ऑड डे बोलूं कि 3 ऑड डे बोलूं, 3 ऑड डे, तो मतलब 300 साल में कितने ऑड डे होंगे। सर एक बात समझो, 100 साल में 5 ऑड डे, तो 300 साल में 15 ऑड डे, तो 300 साल में अगर 15 ऑड डे, तो क्या 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, हां तो 14 हट जाएगा, बचा कितना 1, तो 300 साल में तुम्हारे पास एक ऑड डे ही रहेगा। तो 400 साल में बेटा, 400 साल में तू मल्टीप्लाई करते थे कितना, तेरे पास कितना 500 इंटू कितना रहे 4, 20, बट 400 वाला ईयर क्या है, लीप ईयर, 400 वाला ईयर कितना है, लीप ईयर, तो एक दिन एक्स्ट्रा फेंक देगा। 100 साल में कितने 5, 2 साल में 10, 3 साल में कितने 15, 4 साल में बोलोगे 20, बट 400 ईयर क्योंकि लीप ईयर है इसलिए वो एक दिन एक्स्ट्रा फेंक देगा, और क्योंकि वो एक दिन एक्स्ट्रा फेंक देगा इसके दिन कितने हो जाएंगे 21, तो इसका मतलब 21 क्या पूरा 7 से डिवाइड होता है, हाँ, तो हर 400 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 0 ऑड डे। क्या बच्चों को ये बात समझ में आ गई? अगर एक कंसेप्चुअल जोन समझ में आ गया, सर कंसेप्चुअल जोन में हमको क्या याद करना है कि 100 साल में 5 ऑड डे रहते हैं, 200 साल में 300, 300 साल में 1, 400 साल में कितने ऑड डे, 0। कोई भी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, एवरी सेंचुरी इज नॉट अ लीप ईयर, बट एवरी फोर्थ सेंचुरी इज अ लीप ईयर। बच्चों को ध्यान रखना पड़ेगा, एक साल में कितना एक ऑड डे, 2 साल में 2 ऑड डे, 3 साल में 3 ऑड डे, 4 साल में क्योंकि लीप ईयर है तो 5, 5वें साल में 6, और हर 6 साल बाद कितने ऑड डे होते हैं, 0। अब मैं आपको उसकी एल्गोरिथम सिखाऊंगा आराम से, किसी भी कैलेंडर के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है?